हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सो गाइस, कोविड-19 में अगर आपके घर में आ गई कोई मेडिकल इमरजेंसी, शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत है या फिर आप अपने बंद कारोबार को स्टार्ट करने की सोच रही हैं। कोविड-19 में तकरीबन सभी को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए बैंक आपको लोन दे रहे हैं। जी हां गाइस, कोविड-19 में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बैंक लेकर आया हूं जहां पर आप ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 लाख रुपए तक का लोन आपको यहां पर मिल सकता है बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर। इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको एक बार अप्रूव मिल जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक के अंदर आपको मिल भी जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं लोन, देखना चाहते हैं कौन सा बैंक है जहां पर आप ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सा बैंक है जहां पर आप ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट का नाम है ICICIbank.com। जी हाँ गाइस, इंडिया का नंबर वन बैंक ICICI बैंक, जहां पर आप ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन। अगर आपको कोई दिक्कत आ गई है कोविड-19 में तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप यहां पर एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए और आपको यहां पर लोन भी मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर वेबसाइट ओपन करके इंटरफेस को इस तरह का आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन का पेज मैंने यहां पर ओपन कर रखा है। आप चाहे तो यहां पर बिजनेस लोन, होम लोन और भी बतेरे लोन है यहां पर, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर केवल पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए मैंने यहां पर पर्सनल लोन का पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर का टैब भी दे रखा है। यहाँ पर ये टैब इसलिए दे रखा है कि भाई अगर आपकी सैलरी 20-30 या 50 हजार महीना है, आप लेना चाहते हैं दो तीन चार पांच छह दस लाख रुपए तक का लोन, आपको नहीं पता आपकी ईएमआई कितनी होगी, तो आप यहाँ पर अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि भाई अगर आप यहाँ पर लेते हैं 50 हजार रुपए का लोन, वैसे आप अपनी मर्जी से इस लोन अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं। 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन आप यहां पर ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर लेते हैं 50 हजार रुपए का लोन 60 महीने के लिए, जिस पर आपको 11.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगने वाला है, तो आपकी मंथली ईएमआई होगी 1094 रुपए और टोटल रिपेमेंट आपको यहां पर करना होगा 65,640 रुपए का, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं लोन, सिंपली आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। मैं आपको यहाँ पर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या देने आपको यहाँ पर वो बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोले भाई पर्सनल लोन होते क्या है, ये तो आप सभी को पता है। गाइज, पर्सनल लोन होते क्या है, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत है, होम रिनोवेशन करना चाहते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है आपको, तो भाई आप ले सकते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल और आसान होता है ICICI बैंक के अंदर। अगर आपका पहले से ICICI बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपके लिए और भी आसान होगा यहाँ पर लोन लेना, क्योंकि ICICI बैंक अपने कस्टमर को जल्दी लोन दे देता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल उनके पास पूरी होती है और आप किस तरीके से अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं वो भी उनको पता होता है, ठीक है। तो लोन अप्लाई करने का एक तरीका यहाँ पर SMS के द्वारा भी है। अगर आपको नहीं आता लोन ऑनलाइन अप्लाई करना, तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, PL लिखना है आपको SMS के जरिए, उसको आपने भेज देना है 5676766 पर 5676766 पर। उसके बाद गाइस, आपके पास बैंक कॉल आएगी, ठीक है, आपसे पूछेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे लेकर जाएंगे या फिर आपको बैंक जाकर डॉक्यूमेंट देने होंगे और लोन अप्लाई आप यहां पर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर एलिजिबिलिटी की, लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आपने सिंपली एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है और जैसे आप एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोले कि भाई आप जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन 2187 रुपए पर मंथ के हिसाब से ले सकते हैं, कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, आप लोन पर क्लिक करेंगे लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर बता रखी कि भाई अगर आप ICICI बैंक से लेना चाहते हैं लोन, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए, यहाँ पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपकी उम्र कम से कम 23 साल और मैक्सिमम 58 साल होनी चाहिए, आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 30 हजार महीना होनी चाहिए, 2 साल से आप जॉब कर रहे होने चाहिए, एक ही जगह पर 1 साल से रहे होने चाहिए, ठीक है। ये तो है सैलरीड के लिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी जो उम्र है कम से कम 28 साल, मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए, यानी आपका मिनिमम टर्नओवर कम से कम 40 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप एक नॉन प्रोफेशनल है, और अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपका टर्नओवर कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। टैक्स काटने के बाद आपका प्रॉफिट कितना होता है एक साल में, तो यहाँ पर ये बोले कि भाई कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप
फर्म सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो, अगर आप एक नॉन प्रोफेशनल है तो आपका 1,00,000 रुपए कम से कम होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करूं, कम से कम 5 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, और अगर आप एक डॉक्टर है तो 3 साल पुराना होना चाहिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद आईसीआईसी बैंक, यहां पर बोले कि भाई अगर आप पहले से आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको यहां पर जल्दी लोन मिल जाएगा, ठीक है। आप गेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है आईसीआईसी बैंक के तो आप इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भी यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा लोन अप्लाई कर सकते हैं। पॉकेट एक वॉलेट है आईसीआईसी बैंक का, उसके द्वारा भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम ब्रांच के द्वारा भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गाइज देखिए, अगर आप लोन लेना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद लोन अप्लाई कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, गेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। केवल 4 स्टेप में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए तो आपको इंस्टेंटली ऑफर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऑफर मिलता है, जितने भी लोन का आपको ऑफर मिलता है उतने लोन के लिए आपने अप्लाई करना है। लोन एप्लीकेशन कंप्लीट फिल करनी है इसके 3rd स्टेप में। एप्लीकेशन फिल करने के बाद 4th स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर क्या देने, वो भी आप यहां पर सुन लीजिए। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर देनी होगी, और सैलरी स्लिप देनी होगी अगर आप एक सैलरीड है, ठीक है। और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको यहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी आपको यहां पर, और ITR आपको यहां पर देनी होगी, ठीक है। अब आपको यहां पर फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर आपको बताना है कि आपकी सिटी कौन सी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहां पर बता देना है, मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके आईसीआईसी बैंक से रिलेशनशिप है तो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सैलरीड अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पर्सनल लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपके पास, जो भी है वो आपने यहां पर सिलेक्ट करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो नो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। नीचे आपको यहां पर वर्क इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर आपको बताना है कि आप सैलरीड है, सैलरीड डॉक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, जो भी आपने यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर क्या करना है, जो भी आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं तो आपको यहां पर उसके बाद और डिटेल देनी है। आपको यहां पर बताना है आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, कंपनी किस टाइप की है आपकी, आपकी लेटेस्ट ITR कितने की है आपकी पिछले साल की, ठीक है। आपको यहां पर कंप्लीट बताना, अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी EMI कितनी है आपको यहां पर वो बता देना है। अगर आप एक सैलरीड है तो आपको यहां पर अलग तरीके से डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को अपनी अलग अलग डिटेल यहां पर देनी होती है। अगर आप एक सैलरीड है तो आपको बताना है आपका एम्प्लॉयर नेम, उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आप कितनी सैलरी लेते हैं एक महीने में वो आपको यहां पर बता देनी है, आपकी पहले से EMI चल रही है बता देना है, और चेक एलिजिबिलिटी पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इंस्टेंटली ऑफर मिलेगा। अगर आपको ऑफर मिलता है लोन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने कंप्लीट करने अपनी लोन एप्लीकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, लोन एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी होगी, ठीक है। अगर आप एलिजिबल होंगे यहां पर लोन लेने के लिए, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन अगर आपकी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद आपको बैंक जाना पड़ सकता है या फिर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। एक बार अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको ई साइन एग्रीमेंट करना है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, और 2 से 4 दिन के अंदर आपके लोन अमाउंट आपके बैंक के अंदर आपको मिल जाएगी। इस तरीके से तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मैं लोन यहां पर नहीं लेना चाहता, लोन आपको लेना है, इसलिए आगे के स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार वीडियो देखे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ, आगे इतना ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।